ना काफ़र तो कहा जा रहा है उलमा देवबंद के कायद को आपकी तरफ से ये बात कही गई थी, वो उलमा उस अकीदे वाले को काफ़र कहेंगे चाहे बरेलवी क्यों ना हो। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, खुद अहमद रज़ा खान ने लिखा हुआ है जो शख्स काफिर हो वो काफिर ना कहें, कहने वाला खुद काफिर हो। वो इसने ये बात रखना है कि इन्होंने कहा काफिर कहना सबसे बड़ी गाली है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गालियाँ देने वाला तो इस रूप से अमरजा काम जो उलमा वेलिया काम बन गए, सबसे ज़्यादा गालियाँ उन्होंने ही भी दी। और जब उलमा वेलिया ही सबसे ज़्यादा गालियाँ देने वाले बनते हैं तो मुझे, मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि ये किस मसल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उलमा वेलिया की। अब हम घर देख रहे हैं फिर कहने की इसका मतलब ये है, प्लीज अगर आप जिस मूवी पे जिस गल करनी ओथे रोशनी पाइए सब अल्लाह अल्लाह रसूल दे बारे की ये के बंदे ने की कुछ आके अल्लाह अल्लाह रसूल दे बारे आप साथ ही मावना छड़ी आप साहब एक मिनट अगर जिस गल में मौलाना साहब ने हजरत साहब ने छेड़ लेना ये सारी रात चार दिन आप बैठे हैं कुछ लोगों का कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं पर बोल सकता है कादर बोलन से। हजरत कह दे मेरा अकीदा नहीं जी जी मान लाँगे गल खत्म हो जाएगी, पिछला नु छड़ो जान छड़ो समझाओ लिखती है इन्होंने अपना लिखी दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये झूठ है इसमें लिखा मैंने आपने इसमें जो अकीदे के अंदर लिखा है मुकम्मल लिखा आपने कहा अकीदा लिखा नहीं है इधर देखो इन्होंने कहा ना कि इन्होंने अकीदा अभी तक नहीं लिखा ताहाल नहीं लिखा ये लिखा है और खाक लिखी है अब कहते हैं नामुकम्मल लिखा है पहले कहते लिखा ही नहीं है चाहे कोई तो बात छुपे मैंने अपना अकीदा लिखा है मैं इसको साबित कर रहा हूँ नामुकम्मल इसमें कौन से रोने वाली बात ये आप एक मिनट खालिद भाई मैंने से इतनी बात की थी सामाइन की दर्द सराहता हो गई जगह की तो शुरू हो गई बस बात इतनी सी है मैं ये पूछ रहा हूँ कि आसान सी बात इम्कान है कि इसमें बारी ताला के मुतालिक ना रोला भी खत्म हो जाएगा कि मैं ये पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है या नहीं इतनी बात का जवाब दे बात खत्म हो जाएगी अगर कहते हैं है तो गुफ्तगू आगे शुरू करते हैं रोला क्या है शोर मचाने का या अभी सारे खामोशी के साथ माशाल्लाह सुन रहे हैं बैठे सबको सब पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग हो रही है सीढ़ी चलेगी सबको पता चल जाएगा क्या है कितने पानी में कौन इतनी सी बात कोई मुश्किल है मैं लिख देता हूँ मैं एक सवाल के टाइप पे वैसे जनाब के सामने अंदाजे स्टूडेंट के एतबार से लिख देता हूँ हजरत को बड़ा शौक है पढ़ाने का उनकी बात भी सही है इस तरह से टाइम नहीं फालतू हमने शुरू में तय कर ली थी बात सामईन की हुई थी दस सामाई मैंने कहा हमारी तरफ से होंगे दस उनकी तरफ से होंगे बाकी इतनी बात होगी मुनाज़रे में साबित होगी कि अल्लाह ताला क्या हमने लिख के दे दिया मैंने कि अल्लाह ताला झूठा नहीं है अल्लाह ताला के बारे में जो शख्स कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है मैं भी काफ़ी समझता हूँ हमारे काबिल जो बंद बात ही खत्म हो गई थी एक मिनट मैंने एक सवाल किया है ये सवाल आप उसका जवाब जरा मुझे पूछ के तके रोला अगर एक जल्दी खत्म हो जाए मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है बस इतनी सी बात अगर नहीं है कादिर नहीं वो तो उन्होंने कह दिया ना जिसका ये अकीदा है वो काफिर है ऐसे ही है मैंने ये बात दोबारा लिख भी दी आपको शायद नजर नहीं आई मेरी नजर कमजोर नहीं है हजरत मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते आपको नजर नहीं आया था जब मैंने इतना बड़ा तीन चार लाइनें लिखी थी बात की है गुफ्तगू का अंदाज ठीक क्या है पहले
अल्हम्दुलिल्लाह आता है, वापस खाने आया। गुजारिश ये है कि उन्होंने जब कह दिया है कि ये काफिर है इंसान, यानी कि जो आपने लिखा, मैंने ये अब देखो मैंने सवाल लिखा है कि क्या अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, ठीक है। अब ये हजरत इतना लिख दें, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि झूठ बोलने वाला काफिर है, या जो ये कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है वो काफिर है। क्या इनका अकीदा यही है कि जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है वो काफिर है?